अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये सुविधाजनक सौदा या विशिष्ट उत्पादों में क्या डिफरेंस है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कस्टमर अपनी दैनिक डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खरीदते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो कस्टमर द्वारा बाजार में विभिन्न दुकानों पर घूम फिरकर उनकी कीमत, रंग, डिजाइन, किस्म आदि की तुलना करके खरीदे जाते हैं। ये होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। फिर होते हैं कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका खरीदने के लिए कस्टमर क्या करता है, काफी सारे एफर्ट करता है, जैसे कार है, स्कूटर है, एयर कंडीशनर है, क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं, आप बार बार तो खरीदते हो नहीं, तो इसलिए इन प्रोडक्ट को बोलते हैं स्पेशल प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस, जो डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये वो प्रोडक्ट जो आप घूम फिर कर अच्छे से चेकिंग कर करके ही चेक करते हो, ये वो प्रोडक्ट जिनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो, बड़ी बड़ी चीजें लगा लो, घर पे एयर कंडीशनर लगाना है, कार खरीदनी है, स्कूटर परचेज करना है, बाइक परचेज करनी है, ये हो गए स्पेशल प्रोडक्ट। फिर कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर क्या, डेली रूटीन के अंदर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, शैम्पू है, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, आटा है, बेसन है, इन चीजों के जो प्राइसेस होते हैं ना, वो कमी होते हैं, और जबकि शॉपिंग प्रोडक्ट वाले प्राइसेस इनसे थोड़े ज्यादा होते हैं और इनका तो रेट इनसे भी ज्यादा होता है। कौन से, स्पेशल प्रोडक्ट। फिर बात करें, ये वाले प्रोडक्ट लगभग आपको सारी रिटेलर की शॉप पे मिल जाएंगे, ये वाले प्रोडक्ट आपको सारी दुकानों पर नहीं मिलेंगे, लिमिटेड दुकानों पर मिलेंगे, और ये वाले प्रोडक्ट तो आपको बिल्कुल स्पेशल दुकानों पर मिलेंगे, स्पेशल दुकानें होती हैं, है ना। फिर आगे बात आती है कि ये कंज्यूमर की डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये बार बार खरीदे जाते हैं। ये वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ये धीरे धीरे प्रयोग में ले जाते हैं, इसलिए बार बार नहीं खरीदे जाते हैं, और इनकी प्रकृति कौन सी होती है, टिकाऊ होती है, इसलिए तो इनको तो आप कभी कभार खरीदते हो। जैसे एयर कंडीशनर, ऐसा तो नहीं है ना हर महीने चेंज करोगे या हर साल चेंज कर लोगे। आपने एयर कंडीशनर परचेज किया और आपका 10 साल तक वही का वही आपका एयर कंडीशनर चल रहा है, तो ये तो डेली रूटीन में सेल होते हैं, ये कभी कभार लगा लो और ये उससे भी कभी कभार के अंदर लगा लो। फिर इन प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग करनी बहुत इजी होती है, इनकी पैकेजिंग करना इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और इनकी पैकेजिंग करना तो जरूरी नहीं होती है, ठीक है। पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए गए, अब रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना है तो पैकेजिंग में तो देख नहीं पाओगे, खोल के देखना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे चेकिंग करनी पड़ेगी, तो इनकी पैकेजिंग करना जरूरी होता है। इसमें पैकेजिंग करना जरूरी होता भी और नहीं भी, बल्कि इसमें पैकेजिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत कम प्रयास करने पड़ते हैं, कि कहीं भी मिल जाता है, इसके आपको थोड़े से प्रयास होते हैं, पर इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, इनको खरीदने के लिए तो पैसे भी बहुत अच्छे से इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो ये सुविधाजनक, ये शॉपिंग वाले, ये विशेष, डिफरेंस नंबर, ठीक है, ये हमारे डिफरेंसेस का टॉपिक था।